गुल मोहम्मद कराची से हैं जी। गुल मोहम्मद, क्या सवाल करना चाहेंगे? गुल मोहम्मद को गालिबन हमारी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर, हेलो। जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ जो है जस्ट एक अपने ओपिनियन के लिए सवाल करूँगा अपनी परमिशन के लिए। ऐसे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझी में, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले जवाब में सब्जियों के बारे में कहा कि हम ऐसा कि सब्जियाँ भी जो खरीद के लाते हैं उसको भी मतलब धो लेनी चाहिए। अच्छा, तो सब्जियों को भी नॉर्मल पानी से धो लें या पानी को थोड़ा सा बॉयल वगैरह करके फिर से धो लें? और दूसरा छोटा सा मैं वो भी सवाल बीच में पूछूंगा कि टीवी से जो अलामत, टीवी में जो अलामत पाई जाती हैं, तो क्या कोरोना के अलामत भी उससे मिलते जुलते हैं या उसमें जो एक्सम कर टीवी से मरीज को करने के वो जितना टीबी और सब्जियों का आपके सवाल है, एक एक करके पूछ लें। डॉक्टर फरहान साहब, जो टीबी से मुताले को पूछ रहे हैं, जो अलामत टीबी की होती हैं कोरोना की भी उससे मिलती जुलती होती हैं? और वो जो एक टीबी की वैक्सीन के हवाले से है कि जिन्होंने टीबी की वैक्सीन ली हुई होती है उन पर कोरोना असर नहीं करता, ये भी इस बारे में कोई रिसर्च चल रही थी कुछ दिन पहले? जी, पहली बात तो ये कि टीबी और कोरोना में थोड़ा सा फ़र्क है कि इसकी जो लाइफ, इसके जो मसाइल का जो टाइम पीरियड है ना, वो 14 दिन का होता है, ठीक है ना। और 14 दिन के अंदर टीबी जो है वो एक लॉन्ग टर्म बीमारी होती है, क्रॉनिक कंडीशंस में आती है, वो काफ़ी स्लो ग्रोइंग होती है और काफ़ी लंबी चलती है, ठीक है ना। टीबी के अंदर वज़न भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलती है तो वज़न भी गिरना शुरू हो जाता है पेशेंट का, और वो वज़न लूज़ भी करते हैं, और उनके दूसरे पैरामीटर्स भी जो हैं, फीवर भी उनको काफ़ी अर्से तक रहता है। ये मतलब महीनों की बात है। तो ये तो मेजर इसका जो डिफरेंस है ना, वो ये है। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभार लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, तो वो उनको मुस्तैद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैक्सीनेशन की जो आपने बात की, ये बिल्कुल स्टडीज़ हुई हैं कि जहाँ पे BCG वैक्सीनेशन है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाई जाती है, उनके अंदर ये इन्फेक्शन जो है का जो असर है वो कम हुआ है बेसिकली। ये स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी है कि इसके ऊपर कमिट कर सकें और कंफर्म तौर पे कहा जा सके। और अगर किसी की BCG वैक्सीनेशन लेट्स से हेल्पफुल भी होती है, उनके पाकिस्तान में लग रही है, बल्कि सारी वैक्सीनेशंस जो बच्चों को लगाई जाती हैं वो ज़रूर लगानी चाहिए, अगर इसका फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये कल प्रूफ भी हो जाए कि आप जो है ट्रक के सामने खड़े हो जाए और कहें कि हमने तो BCG वैक्सीनेशन लगाई थी, हमें कोरोना नहीं हो सकता। घड़ी की टिक टिक लगने लगी बवाल, चलो थोड़ा सा टिक जाएं और सबसे टॉक करें। घर बैठे पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करो, चाहे गाएं, पकाएं, खाएं, बस दुनिया को बताएं कि ये बोरियत कैसे मिटाएं। उठाएं मोबाइल और बनाएं 2 मिनट की वीडियो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और देखें कौन होगा विनर। टिकटॉक बॉय, टिकटॉक हीरो, टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक किड्स, टिकटॉक फैमिली, टिकटॉक आंटी, टिकटॉक अंकल, टिकटॉक कपल, टिकटॉक फ्रेंड्स। सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की वीडियोस को ही टॉप 5 में शामिल किया जाएगा और विनर को मिलेंगे बेश कीमत इनामात। द टिकटॉक शो, घर बैठे करोड़पति, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।